सन 1759 अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा, कहीं टूटता कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये पांचवीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं हुई, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2,00,000 का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई, घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहू लहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। सदाशिवराव भाऊ जाट राजा सूरजमल से मुलाकात करके कुंजपुरा की जंग के लिए उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन सूरजमल की जिद होती है कि दिल्ली उनको दे दी जाए। उनकी ये मांग किसी को मंजूर नहीं होती। इधर अब्दाली नजीबुद्दौला से रुपयों की मांग करता है तो नजीब शुजाउद्दौला को अब्दाली के सामने पेश कर देता है, जहां सब लोग बड़ी चालाकी से शुजाउद्दौला पर दबाव डालकर उससे 20,00,000 रुपया वसूल कर लेते हैं। महाजी खबर लाते हैं कि अब्दाली ने लूट का सारा माल कुंजपुरा में जमा कर रखा है। तब सब लोग कुंजपुरा पर हमला करने के लिए एक मत हो जाते हैं। जमुना के दूसरे किनारे पर अब्दाली मराठों के तोपखाने का अंदाजा लगाने के लिए उन पर गोलाबारी करता है। जवाब में इब्राहिम गार्दी भी अपनी तरफ से तोपें चलवाकर अब्दाली पर यह जाहिर करते हैं कि मराठों का तोपखाना यहीं मौजूद है, जबकि मराठे अपनी बहुत सारी तोपें कुंजपुरा ले जाते हैं। कुंजपुरा किले में मराठों की अब्दाली के लश्कर के साथ घमासान की जंग होती है। मराठे किले और अब्दाली के लूटे हुए माल पर कब्जा कर लेते हैं। इस युद्ध में महाजी का सामना नजीबुद्दौला के उस सिपाही से हो जाता है जिसने दत्ताबा का सर काटा था। उसे देखकर महाजी की आंखों में खून उतर आता है और वो कुतुब खान का सर कलम कर देते हैं। भाई जी, श्रीमंत पेशवा जी के वीर शूरवीर पराक्रमी भ्राता आपके स्वामी आ रहे हैं। शिवराम महाराज की। से ऊंचा है हमारा सर। दिल्ली के बाद आपने कुंजपुरा पर भी विजय पा ली। हमारी जीवन संगनी है आप। जो हमारा है आधा आपका, जो आपका है आधा हमारा, लेकिन हम तो आपके पूरे हैं। आपको आधा गर्व है, हमें पूरा। अब्दाली से तो जीत जाएं, पर आपसे नहीं जीत सकते।
आज से हम पूरे आपके हुए। मराठा मर्द मराठा मर्द मराठा।
है सबको सुनाओ। दिशा दिशा में आज खुशी से धूम मचाओ। बैठे हैं सब कुछ डुबोकर, हमारा नाम, हमारा झंडा, हमारा किला जहां खजाना था, लश्कर था, असलहा था, जिससे हम अपने दुश्मन का खून वहां तक पहुंचते जहां तक जमना दरिया जाता। किला कैसे गिरा? चंचा, मराठों का तोपखाना। खामोश अंधे, हमको अंधा बनाया। दिखा के कि मराठा लाल किले पर जश्न मनाता और जाता वो कुचपुरी की जानिब, तका किया हमारे साथ। आपकी कसम शहंशाह, मेरी जान की कसम, मराठे मेरे दुश्मन हैं, मराठे मेरे कुछ नहीं लगते। पितर लगता तुम्हारा, तुम होलकर को पितर बोलता, फरसान बोलता वो, हमको बताया? शहंशाह, होलकर को मैं अपना पितर मानता हूं और होलकर मुझे अपना फरसान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूछिए अपने उन जानिसारों से जो कुछ बुरा के किले से लौटे हैं, किसे मैं अपना पितर मानता हूं, उसने मुगल सल्तनत का वजीर आजम किसे बनाया? उसे जो कि आपका गुलाम है, या उसे जिनके खेमे आपके पड़ाव में हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों के खेमे कहीं और नज़्म है? किसे बनाया? शाह बाबा, हमारे जो सिपाही कुंजपुरा से दरिया पार करके आए हैं, उनके कहने के मुताबिक वजीर आजम सूबेदार अवध के नाम का ऐलान किया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे इस बात का इल्म तक नहीं, ये अफवाह है या आपकी नजर से गिराने की साजिश। मैं, मेरा लश्कर, मेरा खजाना सब यहां है, फिर मैं वहां कैसे हो सकता हूं? शाह बाबा, ये मराठों की चाल है हमारे मददगारों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करने की। उन्होंने कुंजपुरा के कल्ले पर हमें धोखा देकर दरिया के सैलाब का फायदा उठाकर उस पर कब्जा किया। दरिया, दरिया, दरिया! मालूम करो दरिया कहां से पार होगा। दरिया पार 4 दिन के अंदर अंदर। जाओ। जमुना का पानी तो उतना ही है, बल्कि ज्यादा लगता है। अब ताली की तरफ से भी कोई हरकत नहीं। इस चढ़ी नदी को कैसे पार कर सकता है? ये लो,
वो देखो एक नाविक। सिपाही। जी सरदार। उस नाविक को पकड़ कर लाओ। जो हुकुम। भाई सुनो, सरदार तुम्हें बुला रहे हैं। अभी आए उसे। प्रणाम सरदार। जमुना नदी कब तक उतरेगी? अभी कहाँ सरदार, देखा नहीं पानी कितना पीला पड़ गया है और फिर भंवर भी पड़ने लगे हैं। लगता है कहीं बहुत बरखा हुई है। एक महीना या 20 दिन लग जाएंगे? हाँ कुछ ज्यादा भी लग सकते हैं अगर बरखा नहीं रुकी तो। मैं इधर की नदियों को जानता हूं, जैसे चढ़ती हैं वैसे ही उतर जाती हैं। हो सकता है बाढ़ महीना भर ना उतरे और हो सकता है 7 दिन में उतर जाए। इसलिए कुरुक्षेत्र की यात्रा पर लश्कर की इतनी महिलाओं को साथ लेकर जाने का ख्याल छोड़ दीजिए। वहां तो जाना होगा। स्त्रियों को हम पुणे से इस वचन पर लाए हैं कि कुरुक्षेत्र में उन्हें स्नान करवा कर ही लाएंगे। भाव ये तीर्थ यात्रा नहीं, ये लड़ाई है, वो भी खूंखार चालाक अब्दाली के साथ, जो चीते की तरह चुप नहीं बैठेगा, कहीं से भी नदी पार कर लेगा। अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो वो कैसे कर सकता है? अब्दाली की जान जिस तोते में थी हमने उसकी गर्दन मरोड़ दी है। कुंजपुरा के किले से हमारे हाथ 3,000 घोड़े, हाथी, हजारों मन अनाज, 10 लाख का सामान और 6 लाख मोहरे मिली है। स्त्रियां कुरुक्षेत्र जाएंगी, रही रक्षा की बात तो हम उनके साथ जाएंगे और 7-10 हजार सिपाही भी। आप सेनापति हैं लेकिन मैं फिर कहता हूं उन्हें अभी तीर्थ यात्रा पर मत ले जाइए। बाढ़ पहले यहां नहीं उधर उतरेगी, उत्तर में, और मुझे डर है कि अब्दाली वहीं से नदी पार करेगा। मैं होलकर साहब से इत्तफाक रखता हूं। हम सभी जानते हैं भाऊ कि अफगानी सिपाही हिंदुस्तानी लश्कर के साथ रहने वाली औरतों से क्या सुनू। मेरा भी यही मशवरा है कि लश्कर के साथ रहने वाली औरतों को किसी महफूज जगह पहुंचा दिया जाए। तुम्हारी क्या राय है? अगर अब्दाली यहां नहीं उत्तर में नदी पार करेगा तो हमें अपने लश्कर उत्तर में ही भेजने चाहिए। बराबर, जो सबका फैसला। लेकिन अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हम अपने गढ़ दिल्ली, आगरा और ग्वालियर से दूर होते जाएंगे। कुमक और रसद के रास्ते लंबे होते जाएंगे। और अगर अब्दाली ने हमारे लश्कर के पीछे से नदी पार कर ली तो हम अपने इलाके से कट जाएंगे। हमारा फैसला है, स्त्रियां कुरुक्षेत्र जाएंगी और लश्कर उत्तर में बढ़ेगा। शोभा भाई जी, ये 4 नारियल कुरुक्षेत्र में चढ़ाने के लिए है, पूरा ध्यान रखना। और ये जिस पर पीला स्वास्तिक बना है इसे लौटा कर लाना है जी। पंडित जी इसे भगवान के चरणों में चढ़ाने के बाद अपने आशीर्वाद के साथ हमें लौटाएंगे जी।
माँ, ये नारियल भी हमारी तरफ से कुरुक्षेत्र में चढ़ा देना माँ। मैंने तो तुम दोनों की तरफ से नारियल पहले ही रख दिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं, इन्हें भी रखो। वैसे खाली नारियल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? तुम दोनों को भी कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा। नहीं माँ, आपके साथ भाव जाएंगे। हमें युद्ध के लिए लश्कर के साथ कुंजपुरा से कूच करना है। कुरुक्षेत्र भी तो युद्ध क्षेत्र है, जहाँ कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। सिपाहियों को भी आशीर्वाद के लिए वहाँ जाना चाहिए। आप ही हमारे लिए वहाँ से आशीर्वाद ले आए माँ। हमारा कर्तव्य यहाँ है। आप चिंता न करें, अगर हमारे बस में होता तो हम भी आपके साथ चलते। पर भाव है, विश्वास राव है और 10,000 सिपाही जा रहे हैं आपके साथ यात्रा में। हमें आगे आगे बहुत दिन हो गए चलते चलते, मेरी तो कमर ही टूट गई। सबका यही हाल है। कुरुक्षेत्र तो पहुंच गए, एक दो दिन की यात्रा है वो भी हो जाएगी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तुम बोलो ना। मैं क्यों? आप ही कहिए ना। नहीं नहीं, तुम ही बोलो। मेरी धर्मपत्नी से क्यों कह रही? आप ही कहिए ना। पुणे से 1,000 इतनी लंबी यात्रा पर आए हैं, इतनी तकलीफें उठाई हैं, इतनी बड़ी पूजा करनी है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में एक ही दिन ठहरने को मिलेगा। अक्का, 1.5 दिन से ऊपर। आप दोपहर को वहाँ पहुँचाए, अगला पूरा दिन पूजा, और उसके अगले दिन हम सवेरे वहाँ से रवाना हो जाए। लेकिन 1.5 दिन में क्या क्या देखेंगे? भगवान श्री कृष्ण के रथ के चिन्ह, जहाँ करण का रथ धस गया था, जहाँ विष्णु पितामह तीरों की शैया पर पड़े रहे। 3-4 दिन तो मिलने ही चाहिए। कब उपवास रखेंगे, कब पूजा पाठ करेंगे, कब उपवास तोड़ेंगे? देखिए, हम यहाँ तीर्थ करने नहीं बल्कि युद्ध करने आए हैं। हमें तो आप तीर्थ के लिए लाए हैं, एक दो दिन और रहने दीजिए। आप हमें अहमद शाह अब्दाली से ज्यादा तंग कर रही हैं। इन्हें भी साथ मिला लिया। फिर भी हमारे पास एक तरकीब है। हम बहुत सवेरे चलना शुरू करेंगे और रात देर तक चलेंगे। इस तरह हम कुरुक्षेत्र जल्दी पहुंच जाएंगे और आपको एक और दिन मिल जाएगा। धन्यवाद।
मुल्क का कैसा बाशिंदा तुम? नहीं मालूम अपना मुल्क का दारिया कहां पार करना? हम करेगा, इस दारिया का सीना छाक करेगा, अपना अफगानी तरीके से पता लगाएगा, दारिया कहां रख देगा। हमारा सिपाही अब दारिया में जाएगा, अपने हाथों से दश पानी में छोड़ेगा, जहां पानी ज्यादा होगा दश जल्दी डूबेगा, जहां कम होगा दश तैरेगा, देर से डूबेगा, ये बताएगा दरिया कहां पार करना। तुम देखेगा हम इस मूसी किनार पर नहीं रहेगा, दरिया पार करेगा आज अभी हमारे लश्कर के साथ तमिल है? मिल गया दरिया पार करने का रास्ता, पर खुरदार जी शाह बाबा हुक बेच दो, दश्त बेचते जाए दरिया के उस किनारे तक। हम आता भले गफर खाना, दश्त बेच दो दरिया में जल्दी फौरन। Bye.
सेनापति को जगाइए, संदेश बहुत जरूरी है। वो तो सो रहे हैं, रात को बहुत देर से सोए थे। क्या हुआ, क्या बात? सदाशिव महाराज जी की जय हो। महाजी सिंधिया जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। अब दाली ने जमुना पार कर ली है बागपत के पास। कैसे? जमुना तो चढ़ी है। जमुना के इस किनारे हमारे सिपाहियों ने पठानों को देखा, एक को पकड़ लिया तो उसने बताया। क्या अब्दाली की पूरी फौज पार आ गई है? ये तो पता नहीं श्रीमान, लेकिन लोग बागपत से भाग रहे हैं। कहते हैं उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का लश्कर देखा है जमुना को पार करते हुए। इसका मतलब कि अब्दाली हमारे पीछे है। इससे पहले कि वो हमारे और बड़े लश्कर के बीच आकर हमें उससे अलग कर दे, हमें कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि कुंजपुरा लौटना होगा। छावनी हटाई जाए। वापस बिना यात्रा के? क्या बोल रही है? पठान बादशाह बागपत में है। पठान बादशाह अब्दाली तो जमुना के उस पार है। जो मैंने सुना वो आपको बता दिया। कुरुक्षेत्र से बिना पूजा के लौट जाना, ये तो अपशगुन होगा। देवी देवता नाराज हो गए तो? नहीं, दूर में चल रहे हैं। प्रणाम महाराज। क्या चिट्ठियां लिखी गई? जी बस एक रह गई। गोविंद पंत बुंदेला की चिट्ठी तैयार हो तो लाओ। जी तैयार है। ये कहां लिखा है कि अब्दाली पर छापे मारकर दबाव डालना है? बस आगे नीचे ही। कलम। इसे फौरन गोविंद पंत तक पहुंचाओ। जी महाराज। और जवाब जल्दी लेकर आओ। अच्छा महाराज। बेटे बालाजी तुम भी पढ़ो। सदाशिव राव भाव ने रुपया अनाज और चारा मांगा है, मगर हम क्यों दें? श्रीमंत सदाशिव राव भाव पानीपत में जाकर फंस गए। याद दिलाया है कि जो रुपया हमें देना है फौरन दें, रसद भेजें, नजीब और अब्दाली पर इतना दबाव डालें जिससे कि भाव वहां से निकल सके। हम कैसे कर सकते हैं? कहां है इतनी फौज? ये तो डंडी चुभो कर पागल हाथी को उल्टा अपने ऊपर लेना होगा। आ बैल मुझे मार। अब कहां है अनाज और चारा? पिछले 10 सालों से हमलों पर हमला, लश्कर पे लश्कर,
खेती बाड़ी होती ही कहां है, फसल उगने से पहले ही उजड़ जाती है। बालाजी सही कह रहे हैं, पहले अब्दाली ने लूटा, उजाड़ा और जलाया। उसे खदेड़ने के लिए रघुनाथ राव जी 50,000 का लश्कर लेकर आए और वापस लौटे तो हमें जलालाबाद के किले पर लड़ना पड़ा। उधर भाऊजी 2,00,000 का लश्कर लेकर आए और इधर अब्दाली और नजीब, कहीं भी खेती हुई है जो अनाज हो? अब तो लश्कर के आने का सुनते ही किसान अपना घर बार खेत खलियान छोड़कर भाग खड़े होते हैं, और खेती यह तो सूख जाती है, ये लश्कर के जानवर हाथी घोड़े ऊंट उन्हें खा जाते हैं। सही कहते हैं, शहरों को अब्दाली ने लूटा है और देहातों को लश्करों की आवाजाही ने। जोगियों की लड़ाई में गरीब किसानों के छप्पर फट रहे हैं, लेकिन पेशवा की मदद करना हमारा फर्ज है। मुगलों का नहीं, राजपूतों का नहीं, जाटों का नहीं, फिर हमारा ही क्यों? बालाजी सही कहते हैं। हम मानते हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि अब्दाली से बचाने के लिए मराठे दक्कन से आते हैं, यहां उत्तर में उनका कोई साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हम मराठे मुगलों के लिए राजपूतों जाटों से चौथ वसूल करते हैं। वो समझते हैं कि हम मुगलों के हैं, लेकिन अपनी सूबेदारी बचाने के लिए सूबेदार नजीब और शिजाउद्दौला अब्दाली से जा मिले हैं। तो डूबने दे उनकी नाव, मिले अब्दाली से या भाड़ में जाएं। नाव देश की डूबेगी बेटा, कभी अब्दाली कभी कोई और आता रहेगा और यहां के लोगों को लूटता रहेगा। आओ मेरे साथ। भेड़िया अब्दाली आ पहुंचा है, उसे रोकने के लिए पूना से आया लश्कर हमला करेगा। वो बागपत में है, अगर वो जीत गए और अब्दाली को हरा दिया गया तो आपके घर खेत खलियान और बच्चे गहना पाता सब बच जाएगा। बचाइए, उन्हें जिताइए, रुपया पैसा सोना चांदी देकर। ये उनका सवाल नहीं, आपका है, हमारा है, देश का है, सारे देश को बचाइए। बचाएंगे, 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 बचाएंगे। We'll be right back.
सदाशिव राव भाऊ की जय हो। होलकर जी महाराज और महाजी सिंधिया जी ने संदेश भेजा है कि अब्दाली बढ़कर 10-12 कोस दूर सोनीपत में पहुंच गया है। क्या उसकी पूरी फौज? हाँ श्रीमंत, फौज तो खाना नजीब खान और शुजाउद्दौला का लश्कर भी साथ है। मल्हार राव और इब्राहिम खान कर्द की बात न मानकर हमने बहुत बड़ी भूल की है। मना करने पर भी हम स्त्रियों को लेकर उत्तर में यहां यात्रा पर आ गए और फंस गए। तुम फौरन जाओ और यह संदेश दो कि जैसे भी होगा जल्द से जल्द हम उनसे मिलने की कोशिश करें। श्रीमंत आप नहीं आए, मुझे इसीलिए भेजा है। आप सेनापति हैं, भाई साहिबा आपके साथ हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे बल्कि वो आपसे मिलने आएंगे आज रात को। ये संदेश और नक्शा उन्होंने भेजा है। तुम फौरन जाओ और उनसे कहो कि हम उनके पास पहुंच जाएंगे। वो भाई साहिबा की फिक्र न करें, विश्वास राव भाई साहिबा के पास रहेंगे, हम उन्हें साथ नहीं लेकर आएंगे। जो आज्ञा। अब्दाली के खतरे से ज्यादा उनको हमारे और परिवार की स्त्रियों की चिंता खा रही। समझ में यह नहीं आता कि मैं उनको बचाऊं कैसे। मेरी समझ में यह भी नहीं आता कि मैं शत्रुओं से लड़ूं कैसे। नमस्कार भाव। अब्दाली ने जमुना नदी पार कर ली है और हमारी सेना के पीछे अपना लश्कर उतार दिया है। उसका कुछ लश्कर हमारे और आपके बीच में है। हम गिर गए हैं, कट गए हैं। भाई लोग, माता जी सब ठीक तो है ना भाव? अभी तक तो ठीक है माँ जी, हमने भारी भूल की कुरुक्षेत्र आकर और स्त्रियों को लाकर। क्या हम इस घेरे से नहीं निकल सकते? सूरत हाल यह है भाऊ कि हम यहां हैं और अब्दाली हमारे पीछे। हम एक तरह से शिकंजे में फंस गए हैं। हमारा और आपका लश्कर पानीपत ना आता, कुंजपुरा में रहता तो हम अब्दाली के पीछे होते। हमारी रसद और कुमक के सारे रास्ते खुले होते हैं और हम अब्दाली को फना कर डालते हैं। हाँ, क्या हमारा कोई ऐसा साथी नहीं जो अब्दाली पर उधर से हमला कर सके? कोई नहीं हमारे साथ। अब्दाली के दरिया पार करते ही सारे छोटे मोटे राजा सरदार उसकी तरफ हो गए। वो न हमें कुमक देंगे न रसद, और न ही अपने इलाके से निकलने का रास्ता। और राजा सूरजमल जाट? वो अब्दाली का साथ नहीं देगा और हमारा भी नहीं। उसकी शर्त दिल्ली थी, हमने नहीं मानी। भाऊ हमारे पास दो तजवीजें हैं। पहली तो यह कि हम फौरन अब्दाली की फौज पर हमला करते हैं और उसकी घेराबंदी को तोड़कर कुंजपुरा की ओर निकल जाएं। और हम ऐसा कर सकते हैं भाऊ, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी फौजें, हमारी तोपें अभी सलामत हैं, जबकि अब्दाली की बहुत सी तोपें, हजारों सिपाही, जानवर और गल्ला नदी पार करते हुए जमुना में बह गए हैं। अभी वो कमजोर है और वो लश्कर जो काबुल से उसकी मदद के लिए निकला था अभी तक नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे साथ फौज से ज्यादा स्त्रियां, दासियां, नौकर चाकर
दुकानदार और उनका सामान ले जाने के लिए हजारों ऊंट, हाथी और घोड़े हैं, उनका क्या होगा? फौज तो आगे निकल जाएगी लेकिन ये लोग पीछे रह जाएंगे और अब्दाली के सिपाही एक एक को काट डालेंगे और हमारी स्त्रियों के साथ। नहीं नहीं, हमें आपका यह प्रस्ताव ठीक नहीं लगा। जान बचाने के लिए हम उनकी बलि नहीं दे सकते। तो फिर दूसरा रास्ता यह है भाऊ, हम कुछ ना करें, यहीं रहें और अब्दाली के हमले का इंतजार करते रहें। हमें यह पसंद है। हम यहां रहकर अपनी स्त्रियों को राजपूत और जाटों के इलाकों से निकालने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तब तक पुणे से पेशवा जी का लश्कर भी यहां पहुंच जाए, और अगर काबुल से अब्दाली के लिए कुमुक आए तो उसे भी हम यहां रोक सकते हैं। लेकिन कब तक भाव, ये कब तक चलेगा? अब्दाली दिल्ली की तरफ से रसद नहीं लाने देगा। उधर पश्चिम में जाट और राजपूत है, उत्तर में उसका इलाका है। हमने गोविंद पंत बुंदेला को खबर भेज दी और उसने अनाज और चारा भेजने का वादा भी किया, मगर एक दाना नहीं पहुंचा। यहीं फंसे बैठे इंतजार करते रहे तो भूखे मर सकते हैं। अब्दाली भी मर सकता है, हमने पंजाब से उसका रास्ता काट रखा है। दुआबे का रास्ता खुला हुआ है, उसे नजीब के रुहेल खंड और शुजाउद्दौला की अवध से रसद मिल सकती है, मगर जमुना बीच में हमारे दस्ते और तोपें रसद लाने वाली नावों को डुबो सकते हैं। क्यों? हां, एक हद तक। तुम्हारा मुल्क, तुम्हारा दरिया हम जेर करना जानता। हम इधर आ गया इस किनारे पर, अपने दुश्मन तुम्हारे मराठा के पीछे हमला करेगा। अब हम जानकी अमान का बाबा, दरिया पार करते वक्त हमारा बहुत नुकसान हो गया, अभी हम अमले के हालत में नहीं है। हाँ, अताई खान अपनी लश्कर के साथ काबुल से रवाना हो चुका है, उसका इंतजार करें तब हमला करेंगे। तुम्हारा जबान चलता, हमारा सिपा सलार का दिमाग चलता। मरहबा बखुदरफा, मरहबा। हम काबुल से अपना लश्कर का इंतजार करेगा, वो ऊपर से हमला करेगा, हम इधर नीचे से करेगा, मराठा को नापैद करेगा। तजवीज तुम पता है यकीनी, लेकिन हमारा लश्कर आने में अभी वक्त लगेगा, तब तक के लिए लश्कर को रसद चाहिए। जैसा कि आपने फरमाया, दरिया पार करते वक्त हमारा बहुत असला, हमारा अनाज चारा पानी में बह गया। ये तो बिरादर देगा, सारा हिंदुस्तान देगा, मराठों को कोई नहीं देगा। देखता क्या, हम उनके पीछे बैठा नाकाबंदी करेगा, रास्ता काटेगा, कुमक का रसद का, उनकी मदद कौन करेगा? इस मुल्क का बाशिंदा अपने बिरादर का गला कटवाने जो खैर को बाहर से बुलाता, सल्तनत के तख्त पर बूढ़ा बच्चा ना खड़ा, शहंशाह भी थाता उंगली पर न छाने। शहंशाह ने बजा फरमाया, जाट और राजपूत उनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन एक गोविंद पंत बुंदेला है, शायद उनकी। ऐलान कर दो, जो मदद करेगा उसका धड़ हमारे कत्ल में होगा और सर मराठा के पास। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं काशीराज जी। हमें यकीन नहीं था कि आपको हमारा संदेशा मिलेगा और आप अवध से चलकर हमें यहां मिलने आ सकेंगे।
बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ। अवध की बेगम सदरुन्निसा साहिबा और उनके सिपाहियों ने बड़ी मदद की, तभी आ सका। क्या आदेश है? हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। मैं तो श्रीमंत पेशवा का दास हूं। दास नहीं, हमें आपकी कूटनीति की जरूरत है। हम राजनीति के साथ साथ एक राजनीतिक चाल भी चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह लड़ाई लंबी हो जाए। लंबी? जी, हम चाहते हैं कि छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, पर अब्दाली हम पर कोई बड़ा हमला न करे और ना ही हम उस पर, ताकि हमें समय मिल जाए। समय? जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि पुणे सिपाही साहिबा हमारे साथ आई हैं और इस लश्कर के सरदार और सिपाहियों की स्त्रियां भी उनके साथ हैं। जब तक हम उन्हें हिफाजत से यहां से नहीं निकल पाते, हम इस लड़ाई को टालना चाहते हैं। यानी संधि सुलह की बात करके? जी, और ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि अवध में आप हमारे वकील हैं। शुजाउद्दौला भी वही है और उनकी मदद से यह काम संभव हो सकता है। हो सकता है। नजीब खां के बहकाने पर शुजाउद्दौला अब्दाली की तरफ चले गए, लेकिन वो उसके बर्ताव और मांगों से नाखुश हैं। बेगम सदरुन्निसा साहिबा उन्हें बराबर पैगाम भिजवा रही हैं कि पेशवा हमारे दोस्त हैं, जैसे भी हो उनकी मदद करना, वही मुल्क की मदद कर सकते हैं। आपने हमारे दिल में बेगम साहिबा के लिए इज्जत बढ़ा दी है। आप जब उनसे मिले तो हमारा धन्यवाद और नमस्कार उन तक पहुंचा दीजिएगा। सुलह की ये बात मराठों की एक चाल है। मुझे यकीन है कि उन लोगों का रसद खत्म हो चुका है, इसलिए वो काशीराज को सुलह के लिए भेज रहे हैं। तुम्हारा लश्कर ने कुचपुर का किला बचाया, तुमने दरिया पार कराया। हम तुम्हारा नहीं मानता, किसी का नहीं मानता। तुम सलाह दो अहमद खान। शाह अफगानिस्तान दानिशमंद है, हमें हालात से समझौता करना चाहिए। हमने मराठों की नाकाबंदी कर रखी है, उनके तमाम रास्ते रोक रखे हैं, लेकिन हमारा अपना रास्ता भी रुका हुआ है। ना हम सरहिंद जा सकते हैं ना काबुल। बरखुरदार शाह वली शाह पसंद बताएंगे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। शाह बाबा, शाह बाबा मराठा छापा मार लड़ाई का माहिर है। जब जहां मौका मिलता है छापा मारता और भाग जाता है। वो नाकाबंदी से परेशान है तो हम भी आए दिन के इन छापों से गोविंद पंत बुंदेले का जोर बढ़ता जा रहा है और वो रसद भी रोक रहा है। जी हाँ शाह बाबा, मराठों का अगला निशाना हमारी रसद के जखीरे हैं। कल रात को उन्होंने हमारे चारे के जखीरे को आग लगा दी। शाह, अब हमारा उन पर हमला करना या उनसे सुलह करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना हमारा लश्कर रसद की कमी का शिकार हो जाएगा और हमारे जानवर भी भूख से मर रहे हैं। शाह बाबा, अगर पेशवा पंजाब पर हमारा हक मानता है और अपना लश्कर हटाकर दिल्ली से वापस लौट जाता है, तो हम मराठों को पंजाब से नीचे नीचे रखने का मकसद जंग किए बगैर हासिल कर सकता है। सर्दी खत्म और गर्मी शुरू होने से पहले शाह बाबा हम काबुल वापस लौट सकते हैं।
सुलह के लिए मराठों को बुलाओ और बुंदेला पर नजर रखो। बैठ जाइए। क्या हो गया हुजूर? शाह अब्दाली मराठों से सुलह की बात कर रहे हैं और वो भी शुजाउद्दौला के काशीराज की मार्फत। ये सब उस गद्दार शुजाउद्दौला का किया हुआ है। मराठे उसे मुगल सल्तनत का वजीर बनाएंगे, इसलिए उसने रहमत खान के कान में अपना जादू फूंक कर शाह अब्दाली का दिमाग बदल डाला है। सुलह हो गई तो हम मारे जाएंगे, शाह अब्दाली काबुल चला जाएगा और मराठा अपने इस पूरे लश्कर के साथ आपके पूरे रुहेल खंड को नेस्तो नाबूद कर देगा। हुजूर, इस तबाही को रोकिए। हमारे मुखबिर खबर लेकर आए हैं कि मराठा लश्कर भूखा मर रहा है। पानीपत के बाजार में अन्न का एक भी दाना नहीं है। जहां से कहिए कि अभी सुलह ना करें, नाकाबंदी का असर देखें। होलकर से मिलिए हुजूर, वो आपको बहुत मानते हैं। वो पेशवा के सरदार हैं मगर आजाद रहना चाहते हैं। उन्हें यकीन दिला दीजिए कि बाद में हम उन्हें ही पेशवा समझेंगे। बस इस वक्त वो सुलह ना होने दें। अब्दाली इस मोर्चा बंदी को तो कभी पार नहीं कर सकेगा। ये जंग नाकाबंदी की है महात्मा, ये जंग नाकाबंदी की है। जिसके पास लश्कर के लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, और जिसके पास ये सब खत्म हो जाएगा वो। या खुदा, करबला का हादसा दोबारा ना हो। यहां लाखों हैं, उनके लिए पानीपत को करबला ना बना, करबला। शहंशाह अफगानिस्तान को काशीराज का प्रणाम और श्रीमान सदाशिवराव भाव का दोस्ती और सुलह का पैगाम। बैठ जाओ। धन्यवाद। हम ये खाता, हमारा बिरादर तुम्हारा दोस्त बताता, तुम ये नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? अपनी सीरत अपना स्वाद है शहंशाह। शेर गोश्त खाता है, धरती में रहने वाला केंचुआ मिट्टी खाता है, पानी में रहने वाली मछली पानी चाहती है। ऐसा क्यों है ना आप बता सकते हैं ना मैं। ओए तुम पंडित,
مولوی جو زبان کی تیغ سے حکم مت چلاتا، سناؤ کوئی پنڈت والی بات۔ شہنشاہ، ایک آدمی کے ہاتھ میں ترازو تھا، دونوں پلڑے برابر تھے، پر ہوا چلتی تو کبھی ایک پلڑا بھاری ہو جاتا، کبھی دوسرا۔ طے نہیں کر پایا کہ اپنا باٹ کس پلڑے میں رکھے۔ تبھی ایک پاس سے گزرا، بولا، کیوں ہاتھ تھکاتا ہے؟ ہوا ہے جو پلڑا اوپر نیچے کر رہی ہے، دونوں پلڑے برابر ہیں۔ نہیں، ہمارا پلڑا بھاری، جیت ہمارا ہاتھ میں۔ جیت آپ کے ہاتھ میں ہے، پر ہاتھ آدمی کے بس میں نہیں۔ ہاتھ ترازو زیادہ دیر اٹھائے رکھے تھک جاتا ہے۔ اسی لیے تجھے سفیر بنایا۔ یہ بھاؤ جانے شہنشاہ، بزرگوں سے میں نے بس یہ جانا، جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ صلح کر لے ہم۔ لڑ کر جو ملتا ہے، اگر بنا لڑے مل جائے، آپ صلح کہہ لیں، مجھ جیسی کم بدھی والا اسے سمجھ کہتا ہے۔ کم عقل نہیں ہے تو، بہت چالاک ہے۔ ہاتھ پہیے کے تلے ہو تو سہج سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں شہنشاہ ہاتھ کا بھی بھلا ہے، پہیے کا بھی۔ تم کو کیا ملے گا؟ پنجاب سرہند تک آپ کا، اور دلی؟ شہنشاہ بھی دور، پیشوا بھی دور، مغل شہنشاہ شاہ عالم، وزیر اعظم دونوں آپ کے ہیں، نجیب خان صاحب بھی اور شجاع الدولہ صاحب بھی، بات ہو سکتی ہے۔ رحمت خان، پند کیا کہتا ہے؟ جو تم کہتا۔ شاہ بابا، یہ ہمارا وطن نہیں، گرمی سے پہلے ہم کو واپس جانا، فیصلہ آپ کا۔ صلح کرے گا ہم، تیار ہو؟ ہم رحمت خان کو بچھے گا۔ دھنیواد شہنشاہ، آپ وہاں جائیں گے ان کے سر ماتھے پر؟ ترازو کا پلڑا برابر، اسے پت لے گا ہمارا دیہ ہوگا، اور بدلنے والا کا سر پنڈت کاجی راج۔ جاؤ بتاؤ، ہم بھیجے گا۔ نمسکار۔ نمسکار۔ آپ کے لیے خوشخبری، عبدالی صلح کے لیے مان گیا اور اپنے سپہ سالار رحمت خان کو بھیج رہا ہے۔ نہیں بھاؤ، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ صلح کرے گا۔ ہم عبدالی پر بھروسہ نہیں کر سکتے بھاؤ۔ کاجی راج جی، آپ تو عبدالی سے مل کر آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں مہاتبا سے سہمت ہوں کہ عبدالی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمے ایسا ہے کہ بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں۔ ہمارے سبھی لشکروں میں 100,000 سے زیادہ آدمی ہیں، ہاتھی گھوڑے اونٹ اور جانور سب الگ۔ اگر گووند پنت بندیلا رسد نہیں بھیجتا تو بہت بڑے پیمانے پر بھوک مری شروع ہو جائے گی۔ ہمیں اتنی بڑی رسد کے لیے صرف بندیلا پر ہی بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اور کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔
अगर अब्दाली की मौजूदगी में बुंदेला रसद नहीं भेज पाता तो फिर क्या होगा? श्रीमंत सरदार गोविंद पंत बुंदेला के पुत्र बालाजी बुंदेला पधार रहे हैं। श्रीमंत सदाशिव महाराज जी की जय हो। स्वागत है। पिताजी ने ये 4 लाख की मोहरें और जेवर आपकी सेवा में भेजे हैं श्रीमंत, बाकी किसी और के द्वारा भेजे जाएंगे। देखा, हमने कहा था कि गोविंद पंत हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। उनका धन्यवाद विराजी। जी अच्छा। मरहबा अदाइखा, मरहबा। पहले काबुल से एक लश्कर लाया और आप हमारे लिए ये तोहफा लाया। जी शाह बाबा, आपका वफादार अपना फर्ज अदा किया। ये तोहफा तुम्हारा भी है अजीत खान, भेज दो। पानीपत में मराठा सरदार को भेज दो। भेज दिया जाएगा शाह। पर सरदार, हमारी तरफ से एक खत लिखो। हम खाता भेज दिया जाएगा। हमारे शाह ने तुम्हारी पेशवा के लिए ये तोहफा भेजा। ये मोहरे सोना जेवर नहीं, बल्कि समय है जो मिल गया है हमें सोचने के लिए, और इस समय के साथ साथ हमें वो लक्ष्य भी दिखाई दे रहा है जहां हमारी जीत लिखी है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पानीपत के बाजार में दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। रुपयों से कुछ नहीं होगा भाऊ। भाऊ ये सच है, न गेहूं है, न चावल है, न दालें हैं, न जानवरों के लिए दाना है। आ रहा है। पिताजी ने मुझे यही कहने के लिए आपके पास भेजा है कि वो बहुत सारा अनाज नावों में लादकर जमुना के रास्ते से सीधे आपके पास आ रहे हैं। सदाशिव महाराज की जय हो। आपके लिए उपहार और ये पत्र शाह अब्दाली की तरफ से। पत्र कमांडर इब्राहिम को पढ़ने के लिए दिया जाए। हमारे पास तुमने काशी राज को भेजा, हम तुम्हारे पास तुम्हारा गोविंद पंत भेज रहे। पिताजी, पिताजी, Thank you.
सोच रहे हैं आप? तुम अभी तक सोई नहीं? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो सकती हूँ? पार्वती, आज हमें नींद नहीं आएगी। वो सब कुछ बिगड़ गया जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नहीं बिगड़ा, यही ना, वो हथियारा संधि नहीं करेगा, ना करे। बात संधि की नहीं है पार्वती, ले देखे बुंदेला सरदार गोविंद पंत हमारी आखिरी आस रह गया था। उसने हमारा पैसा देना था, रसद देनी थी, अब्दाली के बाजू पर हमला करके उसे कमजोर बनाना था। उसका सर काट के उस वैश्य ने हमारी नाड़ी की नस काट दी। नहीं, नहीं। ऐसा अशुभ मत बोलिए, भगवान भला करेंगे। आप कुरुक्षेत्र हो आते? यही तो हमसे भूल हुई पार्वती, कि हम कुरुक्षेत्र की तरफ इतने उत्तर में चले गए कि हम अपने गढ़ से कट गए, और अब्दाली ने रास्ता काट दिया रसद का भी और वापस जाने का। अब क्या होगा? काशीराज को सुलह संधि के लिए इसलिए हमने भेजा था कि वो आपको और लश्कर को सलामती से यहां से ले जा सके। अब्दाली भी मान गया था इस शर्त पर कि दोनों के पलड़े बराबर रहेंगे, लेकिन रसद के साथ गोविंद पंत पकड़े गए। अब्दाली ने समझा कि हम सुलह संधि की बात करके अपनी ताकत को बढ़ाने की चाल चल रहे हैं। अब सुलह नहीं होगी। ना, हमारा इतना बड़ा लश्कर है और रघुबा से पहले भी हरा चुके हैं। नहीं पार्वती, तब अब्दाली नहीं, उसका बेटा तैमूर था, अब अब्दाली है। हम उसके पीछे नहीं, वो हमारे पीछे। उसके पास खाने के लिए है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। और हमारे साथ स्त्रियां हैं पार्वती। हमारी चिंता है, चिताएं जलवाइए हम सबके लिए, शत्रानियों की तरह हम भी जौहर करके सती हो जाती हैं। आप शत्रु से लड़िए। नहीं पार्वती, आप जीवित रहेंगी, आप यहां से जीवित जाएंगी, यह हमारा आपको वचन है। हुक्मरी से सिपाहियों की हालत बिगड़ गई, जानवर भी मर गए। काशीराज जी, जी, गोविंद पंत ही वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमें हथियार नहीं बल्कि अनाज चारा और लगान दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने रसद भी बनकर डाली। आपने कुंजपुरा का किला फतह किया, अब्दाली को इस बात का गुस्सा है और उस पर अताई खां काबुल से 8,000 खुरासानी घोड़ों का लश्कर लेकर आ गया, और गोविंद पंत भी नहीं रहा जो उसे पीछे से तंग करे। क्या वो हमला करेगा? नहीं, आपने पानीपत में मजबूत मोर्चे बना लिए हैं, उनके पास 70 से आपके पास 200 तोपे हैं, वो हमला नहीं करेगा, बल्कि शायद
आपको हमला करने के लिए मजबूर करेगा। हम पानीपत के मजबूत मोर्चे के पीछे बैठकर पुणे से पेशवा जी की फौज का इंतजार करना चाहते हैं। इब्राहिम खान गादी भी इस बात से सहमत है, लेकिन होलकर जी और दूसरे नहीं। हम हमला कर सकते हैं काशीराज जी, लेकिन हमारे साथ इतनी स्त्रियां हैं। नजीब बाएं मोर्चे पर है, इसलिए वहां से स्त्रियां निकलकर जाट और राजपूत इलाकों में जा सकती है। आप मल्हार राव होलकर जी से बात करें तो। ये बात मेरे दिमाग में है। मैं जानता हूं कि होलकर जी के नजीब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैंने उनका लश्कर नजीब के लश्कर के पास रखा। वो खड़ियाई भी तो मैं। और कोई आदेश? एक आदेश काशीराज जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मराठा सरदार अपनी आन के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। अगर इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हो गई तो आप शुजाउद्दौला से कहिएगा कि उनके शवों का निरादर ना होने दें, बल्कि उनको अंतिम संस्कार दें। नहीं नहीं, ऐसा ना सोच, ऐसा नहीं होगा। अब्दाली धन का भूखा है, उसके सिपाही पैसे के लिए सौदा करते हैं। मैं और शुजाउद्दौला धन देकर यह धर्म निभाएंगे। फिर आप जाइए और संजय बनकर देखिएगा और बताइएगा कि इस महाभारत में क्या हुआ। बलवंत राव जी लड़ाई में मारे गए और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी बाई जलकर सती हो गई। पता नहीं इस आने वाले युद्ध में साथ आई स्त्रियों में से कौन कौन हार हो तब भी सिपाही को अपनी अगली लड़ाई जीतने के लिए जिंदा रहना चाहिए, औरतों को चिता पर बैठने के बजाय घोड़ों पर या चूल्हों के आगे बैठकर लड़ने वाली दूसरी नस्ल तैयार करनी चाहिए। हाँ, आपने शादी के अलावा किसी से मोहब्बत की? ये आपको अचानक क्या ख्याल आ गया? आपको जानना चाहता हूं, आप चीजों के बारे में इतने ठंडे दिल से सोच लेते हैं कि जैसे वे या तो है नहीं या आप उनसे दूर खड़े हैं। आदमी की मां होती है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं या कोई और भी होता है जिससे आदमी मोहब्बत करता है। कयामत की घड़ी में ये क्या पूछ लिया आपने? क्या ये कयामत काफी? मेरी पत्नी है, मेरी माता जी है, हमारे खानदान के कुछ मसले हैं जिन्हें ऐसी घड़ी में भी मैं भुला नहीं पाता हूं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई से गुजर जाएंगे, चीजें जो पास हैं पास नहीं रहेंगी। मेरी तरह से चीजों को दूर से देखने लगोगे, दूर से चीजें कुछ और लगने लगेंगी। इस लड़ाई में आपको क्या दिखता है? मुझे फतह दिखती है, बस एक शर्त है। क्या? जंग के मंसूबे के खिलाफ सेनापति लोग न जाएं, अपनी निजी बहादुरी दिखाने या जोश में आकर अपनी मनमानी न करें। कोई शुभा है आपको? हाँ, पुराने तरीकों में सारी फौज भीड़ की तरह होना और अंधाधुंध दुश्मन के मोर्चे में घुसती चली जाती है और वहां जाकर घिर जाती है, और तब उनकी मदद के लिए कोई फौज बाकी नहीं रहती। हाँ,
बरारी घाट की लड़ाई में हमारे साथ यही हुआ था। हम जंग जीत सकेंगे मां, बशर्ते हमारे दस्ते तभी हमला करें जबकि उन्हें कहा गया और उस ओर या वहां तक ना जाएं जा जाने के लिए उन्हें ना कहा गया। फिर जंग जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्या सोच रहे हैं भाव? गोविंद पंत का सर भेजकर अब्दाली ने अपना जवाब भेज दिया है। अब वो सुलह नहीं करेगा। अताई खां के 8,000 सिपाही अपने खुरासानी घोड़ों पर आ गए हैं। पर वो आए कैसे? हमने उनका पंजाब से आने का रास्ता काट रखा है। ये लड़ाई अब एक ही रास्ते पे चलने और एक ही मोर्चे पे बैठने की नहीं रही भाव। अताई खां पहले जम्मू गया, वहां से जमुना के पूर्वी किनारे से होता हुआ अब्दाली के पास पहुंचा। अब्दाली हमारी तोपों की मार से बचने के लिए अपने लश्कर की जगह बदलता रहता है और हम एक ही जगह पर अड़े बैठे। भाऊ, हमें अपने मोर्चों से निकल के हमला करना होगा। हमारे कई सिपाही सर्दी की वजह से बीमार हैं, सर्दी और बढ़ेगी, वो ठंड से मर जाएंगे। सदाशिव राव भाऊ की जय हो। क्षमा करें श्रीमंत, अब्दाली ने कुंजपुरा किला वापस ले लिया है। उसकी फौजें हमारे मोर्चे के सामने दोनों तरफ फैल गई हैं। सोचिएगा भाव, अब्दाली ने तो सोच लिया है। मल्हार राव जी आइए। अगर आप सब कहते हैं तो मैं हमला करूंगा, पर आप मुझे एक वचन दीजिए। आओ, अब आपको भी मुझसे वचन की जरूरत आन पड़ी? हां, मैंने एक प्रबंध किया है। अगर आपको इस लड़ाई में लगे कि हमारी हार संभव है तो आप हमारी स्त्रियों को यहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाइएगा। इसका मतलब है कि मैं लड़ूंगा नहीं? नहीं, आप लश्कर लेकर तैयार रहेंगे और जैसे इस लड़ाई में कुछ बुरा होता देखें आप स्त्रियों को संभाल लीजिएगा और चले जाइएगा। भाव, आप क्या कह रहे हैं? मैं लड़ा नहीं, चला गया तो मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा। मल्हार राव जी, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपके माथे का कलंक धो दूंगा और अगर नहीं रहा तो आप मेरे माथे पर यह कलंक लगने से बचा लीजिएगा कि मैं पेशवाओं और मराठा परिवारों की महिलाओं और दासी स्त्रियों को नहीं बचा सका। Thank you.
मैं वचन देता हूं। धन्यवाद। आपके और नजीब के रिश्ते को हम सब ने बुरा समझा और शक की निगाह से देखा, पर आपके कहने से नजीब हमारी स्त्रियों को अपने इलाके से जाने देगा। हम ना तो इसे बुरा समझेंगे और शक के बजाय आपसे यह सीख लेंगे कि दुश्मनों के साथ कम से कम इतना रिश्ता तो हो कि दुश्मनी की घड़ी में उनसे इंसानी बर्ताव की मांग की जा सके। अब आप जाइए और वही कीजिए जो मैंने आपको करने को कहा है, जिसे मैं वो कर सकूं जो आप सब मुझे करने को कह रहे हैं। चलो। क्या हो रहा है खान साहब? तोपों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा हूं भाऊ। भाऊ, हमारी तोपें बहुत भारी हैं और खबर मिली है कि अब्दाली के पास जंबर्क तोपें हैं, जिन्हें ऊंटों पर ले जाया जा सकता है और एक ऊंट से दो तोपें दागी जा सकती हैं। और उसके बाद उस ऊंट को उन तोपों के साथ फौरन किसी और जगह ले जाया जा सकता है। नतीजे में हम उन तोपों को अपनी गोलाबारी का निशाना नहीं बना सकते। तो अब क्या करोगे? मुझे भी अपनी तोपों को बाहर ले आना होगा ताकि मैं भी उन्हें जहां जरूरत हो ले जा सकूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने मोर्चों से निकलकर हमला करना चाहिए। हाँ भाऊ, गोविंद पंत के बाद अब हमें कहीं से रसद नहीं मिल रही। अनाज और चारे की कमी की वजह से हर दिन हमारे सिपाही और जानवर कमजोर होते जा रहे हैं, और अगर चारा ज्यादा दिन तक नहीं मिला तो ये भूखे आदमी और जानवर तोपे भी नहीं खींच सकेंगे और मेरा ये तोपखाना बेकार हो जाएगा। यानी कि वक्त और अब्दाली दोनों मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं हमला करूं। अगर हम हमला ना करें तो क्या हमारे सिपाही बगावत कर सकते हैं? भूख में आदमी सब कुछ कर सकता है श्रीमंत, और फिर यह मत भूलिए कि सिपाही भूख से मरने के बजाय मैदानी जंग में लड़कर मरना ज्यादा पसंद करता है। लश्कर में ऐलान किया जाए कि आज शाम अब्दाली पर हमला करने के विषय पर हम फैसला करेंगे। आइए। आप लोगों की जो राय, उस राय से कमांडर इब्राहिम भी राजी है। आप अपने अपने लश्कर में ऐलान कर दें कि हमला होगा, वे तैयारियां शुरू कर दें। श्रीमंत पेशवा महाराज की जय, सेनापति भाव की जय। सेनापति होने के नाते हम कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हमने हमले के कई मंसूबे बनाए
लेकिन अब जब अब्दाली जमुना के पूर्वी किनारे को छोड़कर पश्चिम में पानीपत की ओर बढ़ रहा है, तो हमने जंगी चालों का एक मंसूबा बनाया है जिस पर आप सब राय दे सकते हैं। हम अब्दाली पर सामने से हमला नहीं करेंगे, पर उसे यह लगेगा कि हमला हम सामने से ही करने वाले हैं, और इस बात का फायदा उठाकर हमारा यह बड़ा लश्कर जमुना की तरफ बढ़ जाएगा। शाम होते ही जमुना के किनारे पहुंच जाएगा और रात को यही मोर्चा बना देगा। सुबह होते ही अब्दाली के इस बाजू पर हमला करके उसे तबाह कर देगा। उसका फायदा? उसका फायदा यह कि लड़ाई यहां और हमारी स्त्रियां और ना लड़ने वाले लश्कर यहां ऊपर सुरक्षित हों, या फिर वो जमुना पार करके बुंदेलखंड जा सके। अब आप लोग इसे अच्छी तरह देख लें, विचार कर लें और फिर हमें बताएं। जंग सुला के बजाय जंग बंदी। अब मराठा हमला करेगा। अपने मजबूत मोर्चों से निकलकर उसने पंजाब में हमारा इलाका लिया। जब हम काबुल चला गया, हम काबुल जाएगा पर उसे इतना खत्म करके जाएगा कि वो चंबल दरिया के पार रहेगा, दिल्ली में दखल नहीं देगा। एक कोशिश करेगा, तुम दादा नजीब खान उस पठान इब्राहिम को तोड़ने का। वो चला आया, मराठा तोपखाना बेअसर, नहीं आता हमारा जंग बंदी। देखो कतार में मराठा लश्कर, तुम वो सामने लश्कर के दोनों बाजू घुड़सवार लेकर। अमीर बेग, परखुरदार खान, हाफिज रहमत खान, शाह वली खान, तुम्हारे साथ 19,000 सवार, 1,000 ऊंट सवार, जंबर तोपे, शुजाउदौला, नजीब खान और शाह पसंद खान। हम यहां होगा शाह वली खां की पुष्ट पर 7,000 सवारों के साथ। हम पीछे रहेगा, मुगलों मराठा वाली हिमाकत नहीं करता। जिसका सिपसलार आगे रहता वो मरता, लश्कर भाग जाता। हम इधर पीछे और हमारे साथ हमारे नसाक्षी दस्ता रहेगा। जो भागेगा उसे तह तह करेगा।
सलाम बाबा। मेरे लिए कोई हुक्म बाबा? हां नजीब खान, आज तुम्हारा बाबा तुमसे एक मदद मांगता है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं बाबा? मैं अगर मुगल सल्तनत का मीरबख्शी बना तो आपने मुझे बनवाया, जंग में हमारा सामना होगा तब भी आपकी तलवार मुझ पर नहीं उठेगी। इस कौल के बाद मेरी जिंदगी आपकी है। तुम अपने हो नजीब, तभी तुम्हें बुलाया है, और इसलिए बुलाया है क्योंकि हो सकता है कि हमारी इज्जत की हिफाजत तुम्हें करनी पड़े। बाबा, आपकी इज्जत पर आंच लाने वाले को मेरी तलवार की आंच से गुजरना होगा। शाहब्दाली के साथ जरूर हूं, लेकिन अगर उसने भी आपके खिलाफ हाथ, हमारे खिलाफ नहीं नजीब, हमारी औरतों के खिलाफ। हम जानते हैं कि अब्दाली के सिपाही औरतों के साथ क्या सुलूक करते हैं। हम तुमसे उनकी सलामती मांगते हैं। मुझसे? हां, अब तक हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ, और उसकी एक वजह है पेशवा का परिवार और हमारे सरदारों की वो औरतें और दासियां जिन्हें हम गलती से साथ ले आए। लेकिन आज नहीं तो कल लड़ाई तो होगी। जब भी हो हम उन औरतों को बचाएंगे, लेकिन अगर न बचा सके तो वो तुम्हारे मोर्चे से होती हुई राजपूतों और जाटों के इलाके में जाएंगे, और तुम्हारा कोई सिपाही उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। अजीब खान, क्या यह हो सकता है? मराठों से जंग हमारी सियासत है बाबा, लेकिन आपसे मोहब्बत हमारा ईमान है। आपने कह दिया, बस वो पत्थर की लकीर है। मेरे मोर्चे से गुजरते हुए उन पर आंच नहीं आएगी। आपकी आबरू हमारी अमानत है बाबा। शुक्रिया नजीब। क्या चीज है ये लड़ाई भी, और क्या चीज है मोहब्बत। अब्दाली की इस हल्की तोप, जंबर्ग का बनाना इतना मुश्किल तो नहीं? जी हाँ, दखन में तोप बनाने वाले कारीगर इसे बना सकते हैं। ये जंग फतह कर लें, अपने तोपखाने में हम भी हल्की तोपों का इस्तेमाल करेंगे। कमांडर साहब, हुजूर पानीपत के जागीरदार सलीम सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं। भेजिए भेजिए, उनकी बड़ी जरूरत है। जी बेहतर। आप तोपे आगे पहुंचवाइए, हम बात करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए।
आपको याद ही कर रहे थे, अब आपकी मदद की और जरूरत है। कमांडर साहब, मुसलमान मुसलमान के लिए जान भी हाजिर कर सकता है। मुसलमान समझकर ही सही, हमारे तोपखाने के लिए कहीं से भी हो 2000 मन अनाज और चारे का इंतजाम और कीजिए, हम पेशगी भी दे देंगे। पेशगी तो मैं लेके हाजिर हुआ हूं आपके लिए। ये 1000 अशर्फियां हैं, इनको कबूल फरमाइए और जिस लानत में आप फंसे हुए हैं उसे निकल लीजिए। फिर इसके बाद जितनी दौलत और जो भी मर्तबा आप चाहें आपके कदमों में होगा। किसकी तरफ से लाए हो? शहंशाह अब्दाली और नजीब खान की तरफ से। वो मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। मराठे गैर हैं, हिंदू हैं, उन्हें छोड़कर अपनों में मिल जाइए। वो गद्दार है, उस अब्दाली का मुखबिर है जो इस मुल्क को लूटने और कत्ल गारत करने आया है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान होकर उन गैर मुल्की मुसलमानों को अपना कहता है जिन्होंने दिल्ली में तुम्हारे मुसलमान बादशाह को खाक में मिलाया। चांदनी चौक में सुनहरी मस्जिद में बैठकर लाखों मुसलमानों का सर कटवाया। मुगल जातियों और मुसलमान जातियों को ईरान और अफगानिस्तान के बाजार में एक एक टके के भाव बिकवाया। अगर तेरे घर में एक मुसलमान चोर घुसाए और वो तेरी बेटियों से जिना करना चाहे तो तू क्या करने देगा? इसलिए कि वो मुसलमान है, है? तुम मराठों को गैर कहता है जो इस मुल्क में रहने वाले मुगल बादशाह को दिल्ली के तख्त पर बिठाते हैं। तो उन्हें हिंदू कहता है जिन्होंने अपने अपने घरों की हिफाजत और अपने लश्कर की कयादत मुझ मुसलमान को सौंपी है। वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। और जो इस जमीन पर रहते हुए इस जमीन का नहीं, उसके लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं। सिपाहियों, इसे ले जाओ और तोप से उड़ा दो। गांधी साहब मुझे माफ कर दीजिए। गांधी साहब मुझे मौत की सजा मत दीजिए। गांधी साहब मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ईमान खरीदने आया था। इन अशर्फियों से तोप खाने के बैलों के लिए चारा खरीदा जाए। हमारे मुल्क में रहकर भी जो हमारे मुल्क का नहीं, ये खाक उसकी बोटियां कभी कबूल नहीं करेगी। पड़ी रहने दी जाए इस गद्दार की बोटियां यहीं, और कुत्तों और गिद्धों को खाने दी जाए।
अब सब्र नहीं होता। रोटी की बात तो छोड़ो, हम चने भांग रहे थे वो भी खत्म हो गए। न पेट की आग बुझाने के लिए गल्ला है, न खाना पकाने के लिए आग है। मीलों तक हमने जंगल के जंगल साफ किए हैं, जानवरों के लिए चारा भी नहीं रहा। मैं नहीं चाहता हमारी आने वाली नस्लें नफरत और शर्म से कहें कि हमारे बाप दादा पानीपत में लड़ने के बजाय भूख से मर गए थे। बड़े दुख की बात है कि हम हिंदुस्तानी सिपाही होकर इतनी दूर आकर सर्दी और भूख से मर जाएं। अब तो लड़ने और मरने मारने की बात होनी चाहिए। सारे लश्कर में गुस्से का एक ज्वालामुखी फट रहा है। शत्रुओं को लोहे के चने चबाने वाले मराठा बुजदिलों की तरह नहीं मरेंगे। अगर तुम सब लोगों की राय हो तो हम भाऊ के पास चलकर विनती करें कि युद्ध आरंभ किया जाए। चलो। ये क्या है? हमारी निष्ठा का सबूत, मगर अब हम अपने सिपाहियों को जवाब नहीं दे सकते। किस बात का जवाब नहीं दे सकते? हमला क्यों नहीं हो रहा भाऊ? श्रीमंत, 20 दिन पहले अब्दाली ने गोविंद पंत का सर काटकर आपके पास भेजा। 10 दिन पहले आपने हमसे और हमने लश्कर से कहा था कि अब्दाली पर हमला होगा। लश्कर पूछता है भाऊ, सेनापति को क्या हुआ है? भाऊ, भूखे और बीमार सिपाही आत्महत्या कर रहे हैं और अपने जानवरों का संहार कर रहे हैं। जो अब्दाली के लश्कर का संहार करने को कब से तैयार हैं, उन्हें भूख बीमारी और जाड़े से क्यों मारा जा रहा है? भाऊ, ये ठीक कह रहे हैं। हमारे इशारे पे जान देने वाले सिपाहियों के मुंह में कल से अनाज का एक दाना नहीं गया। हम पर से इनका विश्वास उठ चुका है भाव। ये तलवारें यहां क्यों रखी? हम इन्हें उठाने के हकदार नहीं रहे। जब तक अब्दाली पर उठाने के लिए नहीं कहा जाता, तब तक ये श्रीमंत के चरणों में पड़ी रहेंगी। भाऊ, भाऊ, भला जनार्दन को शुमार कर जाए श्रीमंत। 500 सिपाहियों की एक टुकड़ी जो दिल्ली से रवाना हुई थी, ये उसका सिपाही है। अब्दाली का लश्कर अब दिल्ली से आने वाली सड़क पर बैठा है। सबको काट डाला उसने, सबको काट डाला। बड़ी मुश्किल से ये बच कर आया है। हमें सिर्फ इतना बताओ, पुणे से आने वाले लश्कर की दिल्ली में कोई खबर है? अब तो आपको कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा। अब कोई और चारा नहीं रहा। जनार्दन, इसे फौरन ले जाओ और इसकी देखभाल करो। जी श्रीमंत। अपनी अपनी तलवारें उठा लीजिए, कल हमला होगा। श्रीमंत पेशवा की जय। जय भवानी। जय भवानी।
السلام علیکم شہنشاہ. وعلیکم السلام. تمہارا مخبیر کا کوئی خبر؟ بہت اچھی خبر ہے شہنشاہ، مراٹھا لشکر میں بغاوت ہو گئی ہے. بھوکے مراٹھا سپاہی خیموں سے نکل آئے ہیں. وہ مانگ کر رہے ہیں کہ کھانا دو، نہیں تو واپس چلے جائیں گے. اب مورچوں سے نکلے گا، اب وہ لڑے گا. کل حملہ ہو سکتا ہے، رات تک صف بندی کر لی جائے. آپ کے حکم کے مطابق صف بندی کر لی جائے گی شاہ بابا. جی شاہ بابا. آئیے. تم کو بولا مراٹھوں کا توپچی وہ پٹھان. جان کی امان شہنشاہ، پانی پت کے اپنے مخبر سلیم صدیقی کو بھیجا تھا اشرفیوں کے ساتھ، لیکن اس نے انکار کر دیا. پٹھان کا بچہ پٹھان نکلا، اور اس نے سلیم صدیقی کو توپ کے منہ سے باندھ کر اڑا دیا. ہم اسے اڑا دے گا، نیست و نابود کر دے گا. برخدار چھوالی، تمہارا شکار ہے وہ. پہلے اسے ختم کرنا، اسے ختم کرے گا تب ہی مراٹھا ہارے گا. آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی شاہ بابا. اتنی رات ہو گئی تو سوئی نہیں ابھی تک؟ بیٹا جاگتا ہو، تم آ کیسے سوئے؟ کتنا سناٹا ہے ماں. ماں کتے کب روتے ہیں؟ جب انہیں موت دکھائی دیتی ہے. تجھے ڈر لگ رہا ہے؟ عورت کو کبھی اپنے لیے ڈر نہیں ہوتا، پہلے اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے گھر لے آتا ہے. پھر اس کے لیے ڈر ہونے لگتا ہے جو اس کے کوکھ سے جنم لیتا ہے. پھر اسے نہلانا دھلانا، دودھ پلانا، نظر کا ٹیکا لگا کر بڑا کرنا، پھر تمہارے جتنا بڑا ہو جائے تو بیاہ کرانا، پھر پوتی کی آس کرنا. کرتی اٹھے تو پوتا چور ڈھوئے. تم زندہ رہو، تمہارے بیٹے ہو، بس یہی آس ہے. اگر پتا جی زندہ ہوتے تو مجھے تمہاری چنتا نہ ہوتی، اور اگر تم اجین میں ہوتی تو چنتا بالکل ہی نہ ہوتی. پر تم یہاں ہو ماں، اور کل لڑائی ہونے والی ہے، جانے کل کیا ہو. میں اجین میں رہتی، تم یہاں رہتے اور لڑائی ہوتی تو میری جان نکلی رہتی. تم میرے سامنے ہو، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ نہیں لگ رہا ہے. بس اتنا لگ رہا ہے کہ کل جب تم لڑائی پر جاؤ تو تمہیں میری عمر لگ جائے. بیٹے تم جاؤ، اور جب لوٹ کر آؤ تو جیت کر آؤ. ماں اگر ہم کل نہ لوٹے تو تمہارا کیا ہوگا؟ کیا کرو گی تم؟ آدھی تو اسی دن مر گئی تھی جس دن تمہارے پتا جی گزر گئے تھے. مجھے زندہ رکھنا ہے تو تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا، جس طرح شیواجی مہاراج جیجا ماں کے پاس لوٹ کر آیا کرتے تھے. اور اکیلے مت آنا، اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ لانا. اور لڑائی میں یہ مت سوچنا کہ مجھے کیا ہوگا،
बस इतना सोचना कि अगर तुम लौट कर ना आए तब मुझे क्या होगा। माँ, ओ माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। याद है तुमने ये शिव कवच मुझे रखने के लिए दिया था, इसे अपनी पगड़ी में रख लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें जिंदा वापस लेगा। बेटी, अपनी पगड़ी तो देना। पहन लो। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ की आशीर्वाद में कर्म भी होता है, धर्म भी और यश भी। जो भी करो वृक्ष की तरह सर ऊंचा रहे, तुम्हारा भी, मेरा भी और इस धरती का भी जिसे तुम्हारा नाम जुड़ा है। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटे। ये श्रृंगार आज मेरी वर्षगांठ है। 10 बरस के बाद गौना करके पुण्य आई। 1 बरस भी न गुजरा था कि आपके साथ यहां आना पड़ा। आज 16 की हो गई। कल युद्ध है, डरती हूं कि विधवा ना हो जाऊं। मायूस ना हो, हिम्मत से काम लो। हमारे पढ़ाव की स्त्रियां यही बातें करती हैं, कौन युद्ध से वापस आएगा, कौन नहीं आएगा। मैं भी यही सोचती हूं, कल क्या होगा। कल क्या होगा ये कौन जानता है। आने वाले पल की कोई खबर नहीं। अगर मैं इस युद्ध से वापस ना लौटूं, तो एक वीर योद्धा की पत्नी की तरह इस दुख को सह लेना। आदमी संसार में आता है अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने। मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूं। इसका फल क्या मिलेगा मुझे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अवश्य पूरा करूंगा। जा, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो और मैं अपनी किस्मत का लिखा पूरा करूंगी। मैं तुम्हारी राह तकती रहूंगी। तोपों का चलना और तलवारों का टकराना और जख्मियों का कराना सुनती रहूंगी। मेरी आंखों के आगे युद्ध का समा फिरता रहेगा। हजारों लाखों सिपाही आपस में लड़ मरेंगे। इतना खून बहेगा कि उसका रंग सारे आसमान पर फैल जाएगा और मैं
मैं सोचती रहूंगी कि युद्ध क्यों होता है, इंसान इंसान की हत्या क्यों करता है, अनगिनत स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ क्यों करता है। मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा, बस जीवन भर सपनों में सैकड़ों हजारों लाशों को देखकर चीखती चिल्लाती रहूंगी, रोती रहूंगी, सकती रहूंगी। मेरी जमुना, यह खत पानीपत से लिख रहा हूं। मेरी जिंदगी में दो दो जमुना है, एक तुम जो मेरी जिंदगी हो पर मुझसे सैकड़ों कोस दूर हो, दूसरी जमुना यही कुछ ही दूर है फिर भी इतनी दूर है कि उस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उसके और मेरे बीच अब्दाली के सिपाही हैं। मेरे और तुम्हारे बीच जो फासला है उस फासले को मिटाने के लिए मैं कलम लेकर बैठ गया हूं और तुम्हें खत लिख रहा हूं। कल एक भयंकर युद्ध होगा और पता नहीं तब क्या होगा। लेकिन जो कल बीता है वो मेरा है, इसीलिए मैंने उस कल की क्षमा जला ली है और मैं तुम्हें इस तरह देख रहा हूं जैसे पहली बार देखा था। पंचावशभ्यो विष्णुस्तवानाय दोषद्रोदभ्यो विष्णुस्तवानाय दो सखे सप्तपादा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शादी हुई, बहुत छोटे थे, बस इतना याद है कि पंडित जी ने मंगलसूत्र दिया था और वो मैंने तुम्हें पहनाया था। तुम एक कच्ची आम भी थी जो हरे कपड़ों के पत्तों में छुपी हुई थी। असल में कई बरस बीत जाने के बाद मैंने तुम्हें तब देखा जब तुम पालकी में बैठी हुई थी और मैं तुम्हें अपने घर उज्जैन ला रहा था। सबसे पहले जो मैंने देखा तुम्हारा
तुम्हारा पल्लू था, फिर एक पांव था, फिर एक हाथ, फिर एक चेहरा जो बाहर देख रहा था। मुझे देखकर चेहरा अंदर हो गया था पालकी के। बचपन में बच्चे को किताब देते हैं तो एक एक अक्षर पर उंगली रखे घंटों बैठा रहता है। तुम मेरी किताब बन गई। कभी तुम्हारे माथे से बाल हटाकर तुम्हारे माथे को देखता रहता, कभी तुम्हारे गाल पर उंगली फेरता, फिर जब वो तुम्हारे होठों पर आती तो वहीं की होकर रह जाती, वहां से तब तक ना हटती जब तक नियत भाग कर और खुद बेताब होकर तुम मेरा चेहरा अपने चेहरे पर न झुका लेती। फिर वो वक्त आया जब मैं जाने लगा, जुदा होने लगा। सुनिए, ये तलवार क्यों और वो घोड़ा कैसा, कहां जा रहे हैं आप? मुझे भी साथ ले चलिए। अच्छा चलो चलो, मैंने कहा था चलो। तुम जानती थी ये मैंने ही मेरी हसरत कह रही थी, और मैं तुम्हें साथ ले भी आता अगर तुम्हारी तबीयत खराब ना होती। चंदा, अपनी बाहों से मुझे यूं ही बुलाती रहना हमेशा, क्योंकि ये मुझे बुलाएंगी तो मैं जरूर आऊंगा। लड़ाई हो, आंधी तूफान हो, मेरे सामने मौत आ खड़ी हो, मैं उसे भी पीछे धकेल कर आ जाऊंगा, लेकिन जरूर आऊंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। और अगर मेरी जिंदगी मुझे बुलाएगी तो मेरी मौत भी दूर चली जाएगी, मेरी मौत भी दूर चली जाएगी।
पार्वती, आज हमें आपसे कुछ कहना है। हम युद्ध में जा रहे हैं और सेनापति की पत्नी होने के नाते हम परिवार और मराठा सरदारों की पत्नियां ही नहीं बल्कि उन हजारों स्त्रियों और दासियों को आपको सौंप रहे हैं जो सेना की सेवा के लिए हमारे साथ आई हैं। आप उनके साथ रहेंगी और उन्हें अपने साथ रखेंगी। अगर हम जीत के लौटे तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन एक बात जो हमने किसी को नहीं बताई आज आपको बताते हैं। हमने मल्हारराव जी से कह दिया है कि अगर युद्ध में हमें वीरगति प्राप्त हो गई तो वो तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाए। इस घड़ी में आंसू नहीं पार्वती, मल्हारराव जी ने नजीब से बात कर ली है, उसके सिपाही अपने मोर्चे से तुम सब कुछ निकल जाने देंगे। आज एक वादा करो पार्वती, आप सती नहीं होंगी। आपको हमारी सौगंध है। नमस्कार। इससे पहले कि हम आखिरी आदेश दें, हम अपने लश्करों की तैनाती के बारे में जानना चाहेंगे। मल्हारराव जी, पानीपत से 1 मील आगे 3000 घुड़सवार। जानको जी, होलकर जी से आगे 7000 घुड़सवार। तुको जी, शमशेर बहादुर के बाएं 2000 घुड़सवार। विट्ठल शिवदेव, आपके मोर्चे के बाईं तरफ 1500 घुड़सवार। इब्राहिम खां गार्दी, तामाजी गायकवाड़ के बाएं 8000 तिलंगे सिपाही। हमारे मोर्चे
अंता जी और विट्ठल शिवदेव के बीच में होंगे। महाजी सिंधिया हमारे साथ रहेंगे। पेशवा जी महाराज के अंगरक्षक दस्ते और गुजारत के 13,000 सिपाही भी हमारे साथ रहेंगे। हमसे आगे विश्वास राव जी अपने पिंडारी लश्कर के साथ रहेंगे। हमारे तोपखाने की 400 तोपें फैलकर हमारे लश्करों की रक्षा करेंगी। 9 बजे गोलाबारी से जंग का ऐलान होगा। लेकिन 3 बातें, सामने से हमला सिर्फ अब्दाली को रोके रखने के लिए होगा। असल मकसद बाएं को बढ़कर शाम तक जमुना के किनारे पहुंचना है। बड़ा हमला सुबह अब्दाली के दाहिने बाजू पर होगा, इसलिए सामने से अब्दाली के मोर्चों में दूर तक कोई नहीं घुसेगा, वरना हम जमुना की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी सूरत में पहले 2 घंटों तक कोई भी आगे बढ़कर नहीं लड़ेगा। आप सब अपने अपने मोर्चों पर रहेंगे और अगले हुक्म का इंतजार करेंगे। भाऊ, सुना है आप इस लड़ाई में ऐसे अलग दस्ते रखना चाहते हैं जो पहले दौर में नहीं लड़ेंगे। हो, इसका मतलब है वे दूसरे दौर में जो थके हुए हैं या घिरे हुए हैं या दुश्मन के टूटे हुए मोर्चों पर कब्जा करने के लिए आगे भेजे जाएंगे। हां महाजी, ऐसे ताजा दम दस्ते के ना रहने से जीती हुई लड़ाई हम हार सकते हैं, और ऐसे ताजा दम दस्ते रखे जाएं तो हारी हुई लड़ाई भी जीती जा सकती है। लड़ने का यह ढंग नया है, पर अब्दाली इसी तरह से लड़ेगा, इसलिए हमें इस ढंग को अपनाना होगा, इस पर अमल करना होगा। आप अपने अपने लश्करों को हमारे आदेश और हमारा आशीर्वाद दीजिए। इस जंग में जीत हमारी होगी, हमारी रक्षा और दुश्मनों का संहार मां भैरवी करेंगी। वो समय आ गया है जिसका आप सबको इंतजार था। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपना अपना काम जिम्मेदारी से निभाएं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए। याद है इब्राहिम खान, हमने उदगीर की जंग के बाद आपको निजाम हैदराबाद से मांग लिया था। वो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा था। आज आपका कारनामा देखना है। अगर हम जीते तो आप जीते, और अगर आप जीते तो हम जीते। आप जीतेंगे, फतह आपकी बलाएं लेगी, और आपका यह ख्वाब कि मुल्क यहां के रहने वालों का है और जो भी बाहर से इस पर कब्जा करने आएगा सर गंवा कर उल्टे कदम लौटेगा कल। क्या हम आपकी बात का यकीन कर लें? जब तक मेरे जिस्म में जान है आप यकीन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि कोई हुक्म के खिलाफ न जाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो सारे मंसूबे चौपट हो जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं इब्राहिम खान, हम आपके पीछे होंगे। अगर हमारी जान भी बुलाएगी तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आप सेनापति हैं, आपकी जान फतह के लिए है, आप फतह के लिए जिएंगे। अपनी और किसी और की जान में से अगर एक को चुनना है तो मुझे यकीन है आप सही फैसला करेंगे। ऐसे जोश वाले सेनापति जिस सेना में हो उसकी फतह में कोई शक नहीं। मुसलमान खाक पे सजदा कर, अपने वतन की खाक को हाथ में लेकर कसम खाता हूं कि दुश्मन की जान को खाक में मिलाने के लिए
खाको खून एक कर दूंगा। जय भवानी। खुदा हाफिज भाऊ। खुदा हाफिज इब्राहिम खान। शाह बाबा का इकबाल बुलंद हो, मराता लश्कर चल पड़ा है, उसका रुख इधर ही को है। उनका दबाल का आवाज सुन लिया, मजबूर कर दिया मोर्च से निकालने के लिए। हमले के लिए दस्ते आगे भेज दिए जाए शाह बाबा? इंतजार किया जाए, मराता तोपखाने की गोला बारीखा, उसकी तोप का मार लंबा। अपने पीछे दस्ते हम बाहर रखेगा जहां उसका गोला नहीं पहुंचता, अगला वहां रखेगा जहां गोला नहीं गिरता, उसका गोला बारी बेकार जाएगा। और शाह बाबा, दस्तों के तरतीब के बारे में? मराठा मुगल की तरह लड़ता, अपना बेहतरीन फौज पहले भेजता, हम पहले दो दर्जे का भेजता, और जब दुश्मन थक जाता अपना बेहतरीन भेजकर खात्मा करता। शाह बाबा, हमारे पास सिर्फ 80 तोपे, उनके पास 200, ज्यादा दूर मार करने वाली मगर भारी, वो उनको हर खात नहीं दे सकता। हमारे पास जंबर्क हल्का तोप, ऊंटों पर लगा, जहां चाहेगा भेजेगा, गोलाबारी कराएगा, हटाएगा दूसरी जगह गोलाबारी खड़ाएगा। लड़ाई में हमारा जंबर्क लश्कर की मदद करेगा, उनका नहीं करेगा। January 1761 मराठा फौजें पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए रवाना हुई।
मुबारक हो। क्या बाबा, जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। मराठा लश्कर हमले करने के लिए बढ़ रहा है। किस तरफ से आता? उधर शमाल से। मरहबा। इस दिन के वास्ते हिंदुस्तान में एक साल ठहरा। अब पानीपत में जंग होगा, फैसला होगा। हमारे सरदार से बोलो मैदान में अपना अपना लश्कर लेकर आए। जो हुक्म शाह बाबा। We'll be right back.
आप यहां कैसे? आपको तो श्रीमंत भाऊ के साथ होना था। मुझे उनके साथ रहने का आदेश है चांकू जी, पर मेरी जगह यहां है, तुम्हारे पास, तुम्हारे मोर्चे पर। मुझे यहां होना था, यहां जहां हमारा लश्कर है, हम सिंधियाओं का कर्मस्थल है। महात्मा, मैं हूं तो आप हैं, हम बटे हुए कब थे? नहीं जानको जी, नहीं, हम बटे हुए नहीं है, एक है। इसीलिए तो मुझे यहां होना चाहिए था, क्योंकि एक सौगंध है, एक प्रतिज्ञा है जो हमारी सांझी है, पर मेरी निजी है। महात्मा, आपको क्या चीज परेशान कर रही है? क्या वो मैं हूं जिसकी चिंता आपको कचोट रही है? नहीं चांकू जी, वो नजीब है, नजीब जो तुम्हारे मोर्चे के सामने है और सांप की तरह मेरे हाथ से फिसला जा रहा है। मेरे मोर्चे के सांप की तरह? और आपको डर है कि वो मुझे डस लेगा? नहीं चांकू जी, ये मेरी मजबूरी या मेरी प्रतिज्ञा है जो चीते की तरह मेरे सीने में चक्कर काट रही है, और जैसे जैसे लड़ाई का समय आ रहा है, मेरी पसलियों का जाल तोड़कर बाहर आना चाहती है। आपको आपको क्या हो गया है महात्मा? वो देखो, वो उधर ही कहीं है अपने लश्कर के साथ, वो नजीब खान जो मेरा शिकार है, पर अब वो तुम्हारा शिकार बनेगा। महात्मा, आपको कभी इतनी ईर्ष्या नहीं हुई? ये ईर्ष्या नहीं है जानको जी, मेरे सामने दत्ता बा का कटा हुआ सर जो मेरी आंखों के सामने टिक गया है और मुझे एक टक देखता रहता है। कुंजपुरा में कुतुब खां को मारकर हमने दत्ता बा की अंत्येष्टि अधूरी की। वो रोहिला नजीब जिसने उनका सर काटने का हुक्म दिया था जिंदा है, और मैं उसे मार नहीं सकूंगा क्योंकि मेरा मोर्चा कहीं और है, यहां नहीं। महात्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, उनका, आपका, हम सबका साझा बदला मैं ले सकूं। तू मेरा छोटा है रे, और छोटे का बोझ बड़ा पिता बनकर उठाता है, अपना बोझ उसे नहीं देता। लेकिन क्या करूं, मेरा बोझ भी नसीब ने तेरे सिर पर डाल दिया। तुझे तो उतना होशियार रहना है। आदेश, अगर वो नजीब आता है तो रहम मत करना चांकू जी, और ध्यान रखना कि स्त्रियों की रक्षा बड़ी हद तक तुम्हारे ऊपर है। मेरे? हाँ, तुम्हारे मोर्चे के
दाई तरफ होलकर हैं। नजीब उन पर नहीं तुम पर हमला करेगा, इससे तुम पर बड़ा दबाव पड़ेगा और अगर कुछ हो गया तो उसके सिपाही स्त्रियों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं यहां रहना चाहता हूं। आप यहीं रहेंगे मेरे पास, मेरे साथ। मैं याद रखूंगा तत्ताबा की अंत्येष्टि अधूरी है और अब नजीब को मारकर ही पूरी होगी। असलम खां। जी जनाब। तोपें हुक्म के मुताबिक लगा दी गई हैं। जी। रसूल खां बारूद। जी पूरी मकदार में पहुंचा दी जनाब। हमला आप लोगों की गोलाबारी से शुरू होगा। अहमद खान और महबूब खान। जी जी जनाब। सब सरदारों को हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हुक्म के मुताबिक अमल करें, दुश्मन चालाक है। तोपों को आगे पीछे ले जाकर दुरुस्तियां लगाकर तोपखाने से गोलाबारी कराइए ताकि दुश्मन के लश्कर और तोपखाने का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अगर हमारी गोलाबारी बेकार गई तो उसके घुड़सवार और सिपाही आगे बढ़ जाएंगे, तब बड़ी लड़ाई यहां छिड़ सकती है, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें जमुना की ओर बढ़ना है। यह जिम्मेदारी हमें, आपको और हमारे तिलंगे दस्तों को सौंपी गई है। इसलिए मकसद क्या है सही तरह से आप लोग समझ लीजिए। निशाना सबका सही होना चाहिए और हौसले सबके बुलंद होने चाहिए। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर। Thank you.
बम चलाओ चलाओ। महात्मा, एक घंटा हो गया गोलाबारी करते हुए, लेकिन अब्दाली के लश्कर में कोई हलचल नहीं। हो सकता है हमारी तोपों की मार से पीछे हट गया हो। तोप चलाओ चलाओ, तोप चलाओ, तोप चलाओ चलाओ। Go, Patishko!
महाराज की जय हो। आपके लिए यह संदेश। अब्दाली के दस्तों और घुड़सवार तोपखानों ने हमारे तोपखानों पर दाईं तरफ से हमला कर दिया है भाऊ। यानी कि हमारी गोलाबारी का कोई असर नहीं हुआ। लगता तो ऐसा ही है, पर यह भी हो सकता है कि असर हुआ हो और तोपों की गोलाबारी बंद कराने के लिए हमला किया गया हो। आपका कोई हुक्म भाऊ? आगे विश्वासराव जी मोर्चे पर होंगे, वही हुक्म देंगे। Thank you.
दो, कहां भाग रहे हो? दुश्मन को मर्दों की तरह मुकाबला करो। अरे वो बुजदिलों, मुकाबला करो। तो चलाओ, 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 चलाओ। दुश्मन को पीठ दिखाकर मत भागो। शाह बाबा, एक बुरी खबर है। बरखुरदार खां और अमीर बेग के मोर्चे टूट गए हैं। रैमट खां, उनकी मदद को जाए, चली जाओ। जी। बालाजी जनार्दन जी, सुनो, पैदल दस्तों पे बहुत दबाव है। दो और हुजारत को आदेश दो कि आगे जाकर फौरन उनकी मदद करें। जी श्रीमान। दो हुजारत दस्ते आगे बढ़ो। खुशखबरी, अमीर बेग और बरखुरदार खां का मोर्चा टूट गया। शाबाश, कितने हलाक हुए? 3,000 हलाक और 5-6,000 घायल। जाके श्रीमंत सेनापति को हमारी खबर पहुंचा दो कि अब हम जमुना की ओर बढ़ सकते हैं। जो हुकुम। जाकर लश्कर को हमारी मुबारकबाद पहुंचा दो और जमुना की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दो। श्रीमंत भाऊ का हुक्म आते ही हम आगे बढ़ेंगे। जाओ। सालार, बरखुरदा खां का पैगाम है कि इब्राहिम खां गार्दी की तोपों ने हमारे लश्कर को बहुत नुकसान पहुंचाया है, नहीं रुक रहा है। नहीं, सरदार बंगश खां को पैगाम भेजो कि वो अपने घुड़सवार आगे भेजे और तुम 2,000 घुड़सवार लेकर उसकी मदद को जाओ और फौज से होकर इब्राहिम खां गार्दी को घेरो। जाओ। तो पाकिश को भाऊ, कमांडर इब्राहिम खान गार्दी ने
अमीर बेग और बरखुरदार खान के मोर्चों को तोड़ डाला है। कम से कम 3,000 दुर्रानी सिपाही मारे गए। शाबाश, फौरन मुबारकबाद भेजिए। सब मोर्चों को खबर दे दी जाए कि वो तुतारी और तबल बजाएं, ताकि हमारे दुश्मनों को हमारी जीत की खबर मिल जाए। और भाऊ, कमांडर इब्राहिम खान गार्दी ने जमुना की ओर बढ़ने के लिए आपकी आज्ञा मांगी है। हम ये हुक्म अभी नहीं दे सकते महाज जी। अगर 1 बजे तक हमारी जीत का ऐलान ना हो जाए तो इब्राहिम खान से कहिए कि वो खुद आके हमसे मिले। जो आज्ञा। मोर्चा जीत लिया है, अब आगे बढ़ो और भागते अफगानियों के सर काट कर अगले मोर्चे पर धावा बोल दो। श्रीमान का हुक्म था कि हम लड़ेंगे नहीं, पीछे रहेंगे, और हम यहां तक आ गए हैं। और आगे गए तो अब्दाली के मोर्चे में घुस जाएंगे, जमुना की तरफ नहीं जा पाएंगे। लड़ाई में हुक्म नहीं, मौका देखा जाता है कीर्ति हासिल करने का। हमें मौका मिला है दुश्मनों के भीतर तक जाकर मोर्चा जीतने का। हम जाएंगे और अमीर बेग या शाह वली का सर काट कर श्रीमंत भाव को पेश करेंगे तो सदा नहीं सराहना मिलेगी। आइए हमला, हमला! चलाओ! तो चलाओ! चलाओ! चलाओ!
शाह बाबा, सैकड़ों अफगानी सिपाही मारे गए और हजारों सिपाही भाग रहे हैं। मराठे उनका पीछा कर रहे हैं। हमारा लश्कर भागता, मराठों को पीट दिखाता। हमारे नासकची दस्तों को हुक्म दो, कह लिया जाए भक्तो को, मजबूर किया जाए लड़ने को, ना माने गार्डने उड़ानी जाए, एक भी पुस्तिल का पुल वापस नहीं जाएगा। डबिल जो औला भागता है, पठान का नुतफा फीक दिखाता। काबुल से इसीलिए लाया, सब कुछ दिया और बदले में गद्दारी देगा। आखिरी मौका, जिंदा जाना है, आगे जाना, जंग करना, मराठों को शिकस्त देना, वापस आना, मक्तल, गर्दन सादरी, कुत्ते का मौत, हमला। शाह बाबा जिंदाबाद, 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 शाह बाबा साहब। दुर्रानी घुड़सवारों का एक दस्ता आता हुआ देखा गया है, जो हमारे बाएं बाजू की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अब्दाली ने अपने ताजा दम दस्ते भेजे हैं। अब वक्त आ गया है कि दामाजी गायकवाड़ को खबर भेजी जाए कि वो अपने घुड़सवारों को लेकर आए और दुर्रानी घुड़सवारों को रोके और जो मोर्चे हमने जीते हैं उसे आकर संभाले। जाइए फौरन, बिलाल आकर जाइए। बुरी खबर है जनाब, इब्राहिम खा गार्दी ने हमारा दायां मोर्चा तोड़ दिया है।
शाह अब्दाली बेहद गजब में है। बीच के मोर्चे पर शाह वली खां भी पेशवा का मोर्चा नहीं तोड़ सके। अल्लाह, अगर हमने सिपा सालार होलकर और जानकोजी के मोर्चे नहीं तोड़े तो शाह अब्दाली के खूंखार नसकची दस्ते हमें आकर कुल्हाड़ी से काट देंगे। तुम जानकोजी सिंधिया के लश्कर पर जाकर पूरी ताकत से हमला करो। जाओ जाओ। और उस बाजू होलकर का जो दस्ता उसको हम संभाल लेंगे। चलाओ चलाओ चलाओ। महाराज की जय हो। नजीब खान ने जानकोजी के मोर्चे पे हमला कर दिया है। जानकोजी महाराज की सेना आगे की तरफ बढ़ रही है। उनकी मदद के लिए आगे जाएं? अभी नहीं, लड़ाई चलने दो। समय आने पर हम खुद। जो आ गया महाराज। चलाओ 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 चलाओ। पुरंदरे। जी सरदार। हम अपना लश्कर यहां से हटाकर महिलाओं के खेमों के पास ले जाएंगे। तुम अपना दस्ता लेकर आगे बढ़ो। जो हुकुम। साहब, दोपहर हो रही है, हमारे दस्ते सुबह से लड़ रहे हैं। सेनापति दामाजी गायकवाड़ के घोड़सवार अभी तक नहीं आए। जीता वो मोर्चा हाथ से निकल जाएगा। पैगाम भेजा है, आते ही होंगे। तुम जाओ। चलाओ चलाओ
जी सरदार। मदद के लिए होलकर जी महाराज के पास संदेश भेजा था, कोई खबर आई? संदेश वहां आ चुका है। होलकर जी महाराज और उनका लश्कर वहां नहीं है। क्या वहां नहीं है तो कहां है? वो वहां से हट चुके हैं। चलो चलो। चलो की जय हो। दुश्मन के घुड़सवार बढ़ते चले आ रहे हैं। याद रखिए, कोई पीछे नहीं हटेगा, सब आगे बढ़ेंगे और दुश्मन का डटकर मुकाबला करेंगे। चलो मेरे साथ। हुजूर, पैगाम दिया? जी हुजूर, सेनापति गायकवाड़ और सेनापति विट्ठल शिवदे अपने दस्तों के साथ आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए, मगर उन्हें तो हमला न करने और मदद के लिए पीछे तैयार रहने का हुक्म था। संत्रियों ने बताया दुश्मनों का एक दस्ता आ गया, उसे भगाने के लिए वो आगे बढ़ गए। अल्लाह, जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। श्रीमंत के हुक्म देने के बावजूद उनके हुक्म को तोड़ा गया और मदद के लिए पीछे तैयार खड़े रहने के बजाय खुद उन्होंने हमला कर दिया। असलम खान। जी हुजूर। तुम चलो, आखिरी मौके के लिए जो दस्ते हमने तैयार रखे थे हम उन्हें भेजते हैं।